अररिया जिले के रानीगंज थाना अंतर्गत जगता खरसाही में चुनावी रंजीश को लेकर गोलीबारी और बमबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में इलाज के लिए रानीगंज हॉस्पिटल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने पूर्णिया GMCH रेफर कर दिया। घटना के बाद रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस संदर्भ में पीड़ित मोहम्मद समीम के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि इससे पूर्व भी मिट्टी काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। पूर्व से ही चुनाव के दौरान भी मतदान करने को लेकर विपक्ष के प्रत्याशी एवं उनके लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट भी हुई थी। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित मोहम्मद समीम ने बताया कि वे सभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और इससे पूर्व भी जेल जा चुके हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। कैसे हुआ घटना? घटना ये हुआ कि 8 महीने पहले जो है ना, मिट्टी का खेला था, समझे, रोड बन रहा था तो उधर से जो है हमारे तरफ से मिट्टी उठा रहा था, इसीलिए जो बोले ना, इसीलिए बोले तो वो लोग जो है मार करने लगा, बोला कि तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, ये हो गया है। उसके बाद वो घटना घट गया। उसके बाद जो है चुनाव आया तो हमारे पक्ष में भी एक आदमी खड़ा हुआ था, तो वोट तो उसको देंगे, इसको नहीं दिए। वो विपक्ष में जो है ले करके जो है ये इंदिरावास हुआ लेकर के गए तो कागज फाड़ दिया। फाड़ने के बाद में जो है सहायक से मिल करके काम जो करवाने लगे। उसके बाद जो है वो बोला कि ये साले सबको जो ना जिंदा काट देंगे, जला देंगे पूरा खानदान को। उसके बाद 2 रोज के बाद जो है रास्ता घेर करके जो है सबको गोली मारा, कपाट तोड़ा। उसके बाद जो है उस दिन से अभी तक जो है टॉर्चर कर रहा है। पुलिस वाला को पैसे दे देता है और जो है अत्तम मार करता है। कौन है मारने वाले? कौन मारने वाला है? हाफी जी नहीं माफी जी। उसके बाद अजमत, मुर्तुजा, नसीम, मोसीम, मुर्तुजा, कमाल, अमीन। उसके बाद जो आज जो घटना हुई आप लोगों के साथ में, आज क्या हुआ? वही लोग हैं। आज क्या हुआ? कौन बात पे आज यानी आप लोगों के साथ में? नहीं, वही घटना के जो है केस किया हम लोग पर, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, बेल करवा लिए, उसी बात को लेकर जो मारपीट जो किया। उसके बाद जो हम लोग को भी पक्ष में जो है पकड़वाया। उसके बाद जो है हम लोग भी उसको पकड़वाए। पकड़वाने के बाद उन लोग को पकड़वाने के लिए जाते थे तो जो है जड़े से बात बोल, समझे, पकड़वाने के बाद जो है वो लोग जो है हमला करता था, कहता था कि मादर चो सब मार देंगे, बिल्कुल जान से ही खत्म कर देंगे तीनों भाई को। अच्छा, केस नहीं उठा इसी कारण? हाँ, इसी कारण। कितना लोग के साथ मारपीट? वो लोग जो है लगभग में 60-70 आदमी है। घायल कितने आदमी है? घायल 4 आदमी हम लोग हुए हैं। हम लोग जो है दुकान जा रहे थे, वो लोग जो गोली कम से कम 25-26 फायरिंग की गोली किया। उसके बाद जो है 50-60 जो है बम फेंका। आप लोग यानी पूरा बम लगा है? हाँ हाँ, बम भी लगा है, गोली भी लगा है। आप नहीं विश्वास है तो मीडिया वाला जो है गया है, कम से कम मकई में जो है ना, कहाँ से उतना गोली बंदूक बम ले आया वो जो है ना, ये जो है बता रहे एक ठो गुड्डू रंगीला जो है वो विधायक है, एक ठो वही जो है सारा चीज सारा सामान देता है वो लोग को। वो लोग को जो है पहले से कांटेक्ट है, जो लोग अपराधी किस्म का लोग है क्या? अच्छा, मानिए कि आप लोग के पे बम बरसा रहा, चाहे गोली मार रहा, आप लोग भी देर से मारपीट किए होंगे उन लोग के साथ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस मौका पे गई थी? नहीं, 2 घंटे बाद गया, जब 1.5 घंटा तक लगातार फायरिंग चलता रहा। कुछ बरामद हुआ वहाँ से पुलिस को? बरामद होगा, बहुत चीज होगा। घायल में कौन कौन है, नाम क्या? घायल में हम है मोहम्मद समीम, उसके बाद मोहम्मद अजूब, उसके बाद मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद निजाम। सभी आप एक ही घर के हैं? एक ही घर का है। वो लोग बोला कि सांप जिंदा जला दो, खत्म करवा देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? जगता खरसाई टोला पलार 10 नंबर वार्ड अररिया रानीगंज। थाना कौन सा पड़ता है? रानीगंज थाना भी रानीगंज। कौशल कुमार को जो है 5 रोज पहले से जो है सूचना दे रहे थे तो बोल रहा था कि नहीं आप ही लोग जो है घेरते हैं वो लोग को। हम लोग को
जा करके पूरा समाज के अंदर में आप लोग मीडिया वाला जितना है सब प्रूफ करवा सकते हैं कौन लड़ैया है कौन क्या है। वो लोग भी वहीं का रहने वाला है। हाँ वो लोग भी वहीं का रहने है। दबंग पार्टी है वो लोग, बदमाश है। बदमाश आ रहा था बाजार, मेरा पापा जा रहा था बिजनेस करता है, वो पॉलिथिन लाने के लिए जा रहा था, प्याज प्याज बेचता है, इसीलिए मेरा देवर जा रहा था बाजार, दुकान है जगता में सिलाई का, वही दुकान पे जा रहा था। कल मारा उसको, चाय पीने गया चौक पर उसको मारा। कल पहले आया बेल करा करके, बोला अब बेल हो गया अब मारना में मजा है, सबको ऐसे ऐसे कर करके कल मारा वो चौक पे। आज फिर शाम में फिर मारा, सब महल्ला हुआ सब भाग गया। फिर साँझ में फिर भोर में ये सब बाजार अपना अपना काम पे जाने लगा। वो सब समाधान करके रात में मशवरा करके सब चीज़ संभाल लिया, ये सब सोचा कि अब भाग गया अब नहीं कुछ करेगा, ये सब जाने लगा अपना अपना काम पर। वो सब हमला कर कितना आदमी था, वो लोग हमला करने वाला 60-70 गो, 60-70 गो अभी पिस्टन भी है, गोली भी है, बम भी है, लाठी से कोई नहीं करता। घायल कितना आदमी हुआ? 4 आदमी है। चारों को गोली लगा है? चारों, हाँ 3 के गोली लगा, 1 के लाठी से बहुत मारा है। बम भी मारा है? हाँ बम भी मारा। सबूत अभी दे दो। हाँ 1 का आँख खत्म है, इसका जान हाथ खत्म है, इसका जान में भी है, गोली भी है, बम भी है। आप लोग को रेफर कर दिया है? जी। कहाँ रेफर किया? ये पूर्णिया किया रेफर, रानीगंज। क्या नाम हुआ आपका? नरगिस।